लाइब्रेरी में एक्चुअली होता है कि पूरा कंसंट्रेट आप अपने स्टडी पे कर सकते हैं, ठीक है, इधर उधर कहीं भी नहीं। नौकरी लेना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए आपको तो थोड़ा समय बिताना ही पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन इतना हाई है। मानने से ये है कि लाइब्रेरी ज्वाइन करने से एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, पढ़ने का मन करता है। मेरा नाम संतन कुमार, आप देख रहे हैं एसबी टॉक्स न्यूज। हम अभी पटना में लाइब्रेरी विजिट करवा रहे हैं, ऐसे में हम अभी दुर्गा लाइब्रेरी में आए हुए हैं और यहाँ के पढ़ने वाले स्टूडेंट से जानेंगे किस तरह से लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं और क्या क्या फैसिलिटी इस लाइब्रेरी में प्रोवाइड किया जाता है और घर के माहौल से लाइब्रेरी में किस तरह से अलग होता है, सारा कुछ डिटेल हम जानेंगे यहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट से। तो आइए हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि लाइब्रेरी का माहौल कैसा है और किस तरह से लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो आइए, तो देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी शानदार माहौल है। सौरभ कुमार, आप किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? जनरल कंपटीशन का। जनरल कंपटीशन का, यहाँ पर कैसा फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है? बहुत बढ़िया फैसिलिटी है, जिसमें वाईफाई है, शांत माहौल है और सबसे बड़ा बात है कि माहौल सबसे अच्छा है। जनरल कंपटीशन का आप तैयारी करते हैं, आप कहीं और भी क्लास ज्वाइन किए हुए हैं या फिर सेल्फ स्टडी करते हैं? सिर्फ सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन क्लास किए। और घर का माहौल से लाइब्रेरी का माहौल कैसे अलग होता है? घर का माहौल से लाइब्रेरी अलग इस कारण होता है कि थोड़ा माहौल मिलता है, थोड़ा घर में डिस्टर्बेंस ज़्यादा रहता है। अब अगल बगल पढ़ते हुए देखिएगा तो अभी पढ़िएगा, ऑटोमेटिकली टाइम वेस्ट नहीं होता है। अपना नाम बताइए। रविशंकर सिंह हुआ। आप किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? रेलवे का। रेलवे का तैयारी कर रहे हैं। हाँ। यहाँ पे कैसा माहौल आपको मिलता है लाइब्रेरी में? कंफर्टेबल है, पढ़ने लायक है। क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है? वाईफाई है, पढ़ने के लिए सुविधा है, शांति बनी रहती है, बस यही चाहिए पढ़ने के लिए। मेरा नाम मनीष तिवारी है। आप किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? पहले हम लोग बीपीएससी का तैयारी करते थे, लेकिन अब ये मेरा रिजल्ट आया है एनटीपीसी में जी। तो उसका CVT 2 का तैयारी कर रहे हैं और BPC का भी है, 8 मई को पेपर देना है। NTPC का रिजल्ट आया है, देखिए रिजल्ट NTPC का सुधार करके फिर से दिया गया। क्या सुधार होने से पहले आपका रिजल्ट था? हाँ, उसमें भी था मेरा। उसमें भी था। वहाँ पे बहुत सारा लेवल है NTPC में, कौन सा लेवल में आपका रिजल्ट? मेरा बस 6 लेवल छोड़कर सभी में हो गया है। सभी में हुआ है। तो आप कितना घंटा लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं? मेरा तो यहाँ पर फुल शिफ्ट है, जिससे तभी हम 15 से 16 घंटा 15 से 16 घंटा लाइब्रेरी में पढ़ाई। अगर आपको नौकरी लेना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए आपको तो थोड़ा समय बिताना ही पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन इतना हाई है। आप घर पे रहकर तैयारी नहीं कर पाते हैं? देखिए घर पर होता है कि अगल बगल का भी लड़का सब रहता है, कभी गप होने लगता है, कभी नींद आने लगती है, इसलिए हम लोग लाइब्रेरी पकड़े हुए हैं ताकि एक दूसरे से कंपटीशन को देख पाएँ हम लोग कि मेरा कंपटीशन किसके साथ है। उन लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे जो लाइब्रेरी ज्वाइन करके पढ़ाई करना चाहते हैं? देखिए सबका अपना अपना तरीका होता है, कोई लाइब्रेरी में पढ़ लेता है, कोई अपने रूम में पढ़ लेता है, जहाँ जिसको अच्छा लगता है वहाँ पर है। हम लोग आते हैं, हम लोग का एक ग्रुप है जिससे मोटिवेशन होते रहते हैं। हम लोग का सभी ग्रुप का लड़का इधर हैं, सब BPSC की तैयारी करते हैं। हम लोग का भाई है, उनसे भी कुछ राय लेकर पढ़ते रहते हैं जी। और आपका NTPC में रिजल्ट हुआ है, किस तरह से पढ़ाई करने के लिए और लोग को सजेशन देना चाहेंगे जो अभी जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं? देखिए कोई भी परीक्षा निकालने के लिए मैथ और रीजनिंग का पकड़ अवश्य होना चाहिए। अगर आपको नौकरी लेकर जाना है तो अगर मैथ रीजनिंग आपके पास नहीं है तो आप किसी भी परीक्षा में आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, और NTPC में खास कर मैथ और रीजनिंग जी। आप बता रहे हैं कि 15 घंटा हम लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं, तो खाना कब बनाते हैं और सोते कब हैं? देखिए हम यहीं पर हम सोते हैं जी, यहीं पर सो लेते हैं। हाँ, लाइब्रेरी में। हाँ, रात के शिफ्ट में आते हैं। हाँ, उसके बाद सोते हैं, फिर जागते थे। भाई साहब आप अपना नाम बताइए। IMself राम कुमार। किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? नीट का तैयारी कर रहे हैं। नीट का तैयारी कर रहे हैं। आप कभी अटेम्प्ट दिए हैं या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, मेरा फाउंडेशन है। फाउंडेशन है। हाँ। तो आप ये बताइए कि लाइब्रेरी में कितना घंटा पढ़ाई करते हैं? 9 से 10 घंटा। घर पे भी रहकर आप पढ़ाई कर सकते थे, बट लाइब्रेरी ज्वाइन करने का क्या आवश्यकता हुआ? यहाँ पे पीसफुल है अपना, मतलब एक पॉजिटिव थाट मिलता है पढ़ने के लिए, बाकी लोगों को देख के और इनर्जी मिलता है पढ़ने के लिए अपना, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। इस लाइब्रेरी में कुछ कमी आपको महसूस होता है? जी नहीं, अभी सब ठीक। आप अपना नाम बताइए। निकेश कुमार। आप किस चीज़ का तैयारी करते हैं? UPSC का। UPSC का तैयारी करते हैं। क्या अभी पढ़ाई कर रहे हैं? अभी बस सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, NCERT बुक। UPSC का तैयारी आप कर रहे हैं, कितना घंटा आप एवरेज पढ़ाई करते हैं डेली का? अभी 14 आवर पढ़ते हैं अभी। 14 आवर। तो सिर्फ लाइब्रेरी में ही पढ़ते हैं या फिर घर पे सेल्फ स्टडी करते हैं? रूम पे भी 5-6 घंटे, पर यहाँ पर 6-7 घंटे।
आप कहीं क्लास ज्वाइन किए हुए हैं या फिर सिर्फ सेल्फ स्टडी? नहीं, अभी बस सेल्फ स्टडी और यूट्यूब पर थोड़ा वीडियो देख लेते हैं बस। अभी कौन कौन सा सब्जेक्ट पर सिर्फ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? अभी मैं स्टार्टिंग एनसीईआरटी से किया हूँ 6 to 12, और उसके बाद फिर। आपका ग्रेजुएशन फाइनल हो गया? नहीं, अभी फर्स्ट ईयर। कौन सा यूनिवर्सिटी से? पटना यूनिवर्सिटी से। तो आप उन लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे जो आपके साथ यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं? यही कि अपना पूरा एफर्ट लगाओ अपना यूपीएससी पे, क्योंकि एग्ज़ाम थोड़ा टफ लेता है यूपीएससी, से मेहनत करना पड़ेगा इसमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम संदीप आर्यन है। आप किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? हम जेई मेंस प्रिपरेशन कर रहे हैं। जेई मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप कभी अटेम्प्ट दिए हैं या फिर? नहीं, नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट नर्चर पे। 12th फाइनल हो गया? नहीं नहीं, अभी 12th फाइनल नहीं हुआ है, अभी 10th पास करके 11th में है। 11th में है। आप लाइब्रेरी ज्वाइन करना अच्छा कैसे समझे? आप तो घर पर भी पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा इसलिए समझे क्योंकि लाइब्रेरी एक माहौल देता है पढ़ने के लिए, जो कि आप ऐसा माहौल है लाइब्रेरी जिसमें आप 12 घंटे, 14 घंटे या जितने घंटे हो सके आप अच्छे से एक तैयारी कर सकते हैं, इसलिए लाइब्रेरी ज्वाइन किया जाता है। मेरा 24 घंटा का लाइब्रेरी है, उसमें नहीं हो तो 12-13 घंटा जरूर पढ़ रहे थे क्लास के अलावा। मेरा सुबह में क्लास रहते हैं, नाइट शिफ्ट भी है मेरा, और मॉर्निंग में जब टाइम मिलते हैं आके पढ़ लेते हैं जी। और उन लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे जो लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहते हैं बट उन्हें कुछ कन्फ्यूज़न सा लगता है, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? उनको हम यही करना चाहते हैं, जो उनको कन्फ्यूज़न इसलिए होता होगा जो लाइब्रेरी में कैसे पढ़ते हैं, यहाँ किताब उताब होता है कि वो आकर अगर एक बार यहाँ आकर जानकारी ले, इंक्वायरी ले, अगर सब कुछ देखे तो उनको एक इन्वायरमेंट मिलेगा पढ़ने का। अगर वो एक बार चेक कर ले तो उनको एक इन्वायरमेंट मिल जाएगा, तो वो भी यहाँ आकर ज्वाइन करेंगे। ऐसा ही करेंगे तो वो ज़्यादा सफल होंगे। मेरे मानने से यह है कि लाइब्रेरी ज्वाइन करने से एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, पढ़ने का मन करता है और ये सब। लाइब्रेरी में एसी लगा हुआ होता है, आपको नींद नहीं आता है? आता है, लेकिन हमारे जो प्रिपरेशन अगर उसमें उसके बीच में अगर वो सब देखेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा प्रिपरेशन कुछ ज़्यादा लंबा सेशन वैसे ही कोरोना के काल के टाइम से लेट हो चुका है, और जिसके कारण हमको ऑनलाइन बैच भी और ऑफलाइन दोनों करके जल्दी जल्दी सिलेबस ख़त्म करना है, तो हम अगर छोटे मोटे परेशानियों से अगर घिरेंगे तो दबाई जाएंगे। अभी आप कोई लेक्चर देख रहे हैं, दिखाइएगा थोड़ा यहाँ पे जूम करके। ये बताइए कि अभी ये नोट्स है आपका? हाँ, ये मेरा नोट्स है। ये कौन सा सब्जेक्ट का? फिजिक्स का नोट्स है। फिजिक्स का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर है। चलिए, नोट्स है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो यहाँ पर देखिए, गर्ल्स का शिफ्ट अलग यहाँ पे किया गया है और उधर अलग है, तो हम यहाँ पे गर्ल्स लोग से जानना चाहेंगे कि किस तरह से पढ़ाई करते हैं और इस लाइब्रेरी में क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया गया है। तो सबसे पहले मैम, आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम है ज्योति कुमारी। आप किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? नीट का तैयारी कर रहे हैं। नीट का कर रहे हैं, तो अभी आप 12th फाइनल पास आउट? हाँ, 12th पास। कभी अटेम्प्ट दिए हैं क्या? नहीं, मेरा नहीं दिए हैं। तो आप ये बताइए कि लाइब्रेरी में कितना घंटा पढ़ाई करते हैं? लाइब्रेरी पे आपका अपना डिपेंड है, अगर जो लाइब्रेरी ज्वाइन करता है तो वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू से आप जितना देर भी स्टडी करते हैं, लेकिन होता है कि एक्चुअली आप क्लास कितना देर करते हैं, उसके बाद आप सेल्फ स्टडी कितना देर करना चाहते हैं लाइब्रेरी में, और फिर मतलब हम तो 3 to 4 hours करते हैं, उसके बाद हमारा क्लास रहता है, फिर क्लास के बाद फिर हम चले जाते हैं। जी, ये बताइए कि घर का माहौल से लाइब्रेरी का माहौल किस तरह से अलग होता है, क्यों लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहिए? देखिए, लाइब्रेरी में एक्चुअली होता है कि पूरा कंसंट्रेट आप अपने स्टडी पे कर सकते हैं, ठीक है, इधर उधर कहीं भी नहीं कर सकते, और घर पे होता है कि हमारा फैमिली रहता है तो फिर कोई आपको टोका, कोई आपको ये किया, तो आपका दिमाग आपका डाइवर्ट हो रहा है, अगर आप दिमाग ही डाइवर्ट करो तो फिर आप स्टडी कैसे कर सकते हो, इसीलिए हम लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं कि पूरा हमारा कंसंट्रेट यहाँ पर, अगर किसी का कॉल आता है तो आप बाहर जाके बात कर सकते हैं, लेकिन अगर हम रूम पर रहते हैं तो नहीं, हम वहीं पर कॉल अटेंड कर सकते हैं ऐसा, तो इसलिए हम ज्वाइन करते हैं, पूरी कंसंट्रेटेशन स्टडी। अब ये बताइए कि आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? नीट तो मेरा ज़्यादातर तो नीट वाले स्टूडेंट का बायोलॉजी ही ठीक होता है, लेकिन हमारा नीट करना है तो हमारे तीनों को लेकर साथ में चलना पड़ता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों को लेकर चलना पड़ता जी, बट साथ में तो लेकर चलना चाहता है, बट सबसे फेवरेट सब्जेक्ट जो आपको सबसे ज़्यादा पढ़ाई में मन लगता है? केमिस्ट्री हमको अच्छा लगता है। केमिस्ट्री अच्छा लगता है। चलिए, और वो लोग को क्या सजेशन देना चाहेंगे जो अभी नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए? देखिए, एक्चुअली हम अभी नीट क्वालिफाई तो नहीं किए, लेकिन हम भी उनके तरह एस्पिरेंट ही हैं नीट के, लेकिन ये कहेंगे कि अगर आप अच्छे से एक साल या फाउंडेशन या टारगेट की या फिर जो भी अचीवर होते हैं अच्छे से आप स्टडी करते हैं, और नीट जो होता है वो पूरा
एनसीईआरटी बेस्ट होता है, तो आप एनसीईआरटी को, अपना नोट्स को, टीचर को एक गाइडलाइंस बना के अगर आप किसी चीज़ को फॉलो करते हैं तो आई थिंक आप सक्सेस करेंगे इस लाइन। इस लाइब्रेरी में कुछ आपको कमी महसूस होता है? नहीं, देखिए एक स्टूडेंट जब पढ़ता है तो उसको क्या, आपको प्रॉपर एजुकेशन चाहिए, आपको वाईफाई, अभी तो आजकल ऑनलाइन का हो गया तो आपको वाईफाई मिल रहा है, आपको फिर एसी भी मिल रहा है, हर तरह से लाइटिंग प्रॉपर्टी सब कुछ मिल रहा है, तो फिर आप स्टूडेंट को क्या चाहिए, फिर आपको चेयर वगैरह। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक चीज़ अच्छा है कि आपको यहाँ पे सेफ्टी हर तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। बाकी अदर लाइब्रेरी में भी गए तो आपको एक चीज़ रहती है कि वहाँ पे सेफ्टी नहीं होता है, कोई चीज़ प्रॉब्लम होता है, बट यहाँ पे ये है कि आपको सेफ्टी हर तरह से मिलता है भैया लोग से, तो ये चीज़ बहुत अच्छा है यहाँ पे। जी मैम, ये बताना चाहेंगे फ़ी के बारे में इस लाइब्रेरी का कि कितना फ़ी लिया जाता है? देखिए फ़ी है कि आप कितना आवर्स कर रहे हैं, ठीक है, आवर्स पे डिपेंड कर रहा है, अगर आप 24 आवर्स कर रहे हैं उसके लिए। और सबसे बेस्ट यहाँ क्या है कि यहाँ पे नाइट में लाइब्रेरी बंद नहीं होता। आप कितना आवर्स के लिए ज्वाइन किया? हम 3 to 4 hours। कितना आपका फ़ी लगा? मेरा 300। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। आपका नाम क्या हुआ? मधुमाला। किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं आप? अभी तो मैं बीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। क्या? बीपीएससी। बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं आप, अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहे हैं? अभी तो देखा जाए तो बीपीएससी पीटी के लिए मेनली फोकस किया जा रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुका है, तो उसके लिए मेनली 4 subjects, वैसे तो सारे सब्जेक्ट हैं लेकिन मेनली 4 subjects पे अगर फोकस किया जाए तो पीटी क्लियर कर सकते हैं। आप लाइब्रेरी में कितना घंटा पढ़ाई करते हैं? 6 hours। 6 hours पढ़ाई करते हैं। आपको घर का माहौल से लाइब्रेरी में कैसे अलग मिलता है? सबसे पहले तो अगर देखें तो सोशल मीडिया एक तरह से यूजफुल है, दूसरी तरफ से हार्मफुल भी है। तो रूम पे रहने पे होता है क्या कि सोशल मीडिया का हम लोग यूजफुल ना करके थोड़ा सा मतलब उसका मिसयूज कर लेते हैं, लेकिन लाइब्रेरी में होता है कि एक कंपटीशन जैसा माहौल बन जाता है। यहाँ पे होता है कि मतलब फोकस करना है सिर्फ स्टडी पे ही, लेकिन रूम पे ऐसा कुछ नहीं हो पाता है, स्टडी थोड़ा कम और मतलब डाइवर्ट थोड़ा सा माइंड ज़्यादा होता है इसलिए। आप कभी अटेम्प्ट दिए हैं, फिर फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले? नहीं दिए हैं। दिए हैं तो उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा था? मेरा पीटी क्लियर हुआ था, मैं मेंस दे चुकी हूँ और ये अभी तक रिजल्ट आया, क्लियर नहीं हुआ, 66 का मैं मेंस लिखी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना नाम बताइएगा। शिखा कुमारी। आप किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी का। यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं आप, कितना घंटा पढ़ाई करते हैं एवरेज? 12 से 13 घंटा। 12 से 13 घंटा पढ़ाई करते हैं। आपका ग्रेजुएशन फाइनल हो गया? नहीं। कौन सा ईयर में है? थर्ड ईयर में। कौन सा यूनिवर्सिटी से? पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से। तो आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करने का क्या नीड हुआ कि आप लाइब्रेरी, आप घर पे भी पढ़ाई कर सकते थे? घर पे ठीक से पढ़ाई नहीं होता है। क्या दिक्कतें आती हैं घर पे? वहाँ पे इधर उधर का कोई कुछ बात करने लगते हैं, कभी कॉल आता है, ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते, इसीलिए लाइब्रेरी में कंसंट्रेट होकर पढ़ाई होता है। मोबाइल यहाँ भी लेकर आते हैं तो कॉल तो यहाँ पर भी आता होगा आपको? नहीं, फ्लाइट मोड में रहता है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा आपका कीमती समय लेना चाहेंगे, आप अपना नाम बताएंगे? जी, पूजा गुप्ता। आप किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? सिविल सर्विसेज के लिए। सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं। आपका ग्रेजुएशन फाइनल हो गया है? 2018। अटेम्प्ट दिए हैं? जी, लास्ट ईयर यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया हुआ था। तो ये बताइए उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस अच्छा था, कुछ मार्क्स क्लियर नहीं कर पाए। क्या क्या कमी रह गया था आपका? मेनली वही स्टडी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हाँ वही। तो आप दिन का एवरेज का कितना घंटा पढ़ाई कर लेते हैं? मैम हम लोग 8 बजे ही आते हैं, शाम को 8 बजे जाते हैं। यानी कि 12 घंटा आप लाइब्रेरी में रहते हैं। तो आप सोशल मीडिया यूज करते होंगे ना? नहीं, बहुत कम, लिमिटेड वे। इस तरह से सोशल मीडिया यूज करना चाहिए, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो आप सोशल मीडिया को भी आप यूज़ कर सकते हैं जस्ट फॉर मोटिवेशन। एंड जो लोग क्लियर किए हुए, जो एस्पिरेंट आपको क्लियर किए हुए, उसका पॉजिटिव आप ले सकते हैं कि हाउ देयर स्टडीज एंड ऑल, ये सब चीज़। मैम आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताएंगे? एक्चुअली फेवरेट क्या है, ऑप्शनल हमारा यूपीएससी में और पीसीएस वगैरह की प्रिपरेशन करें तो उसमें एंथ्रोपोलॉजी है, तो वो थोड़ा ज़्यादा क्लोज है। बाकी सब्जेक्ट्स तो सारे पढ़ने ही होते हैं, सब फेवरेट ही होते हैं। जी आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हैं मैम? जी सिवान से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गा लाइब्रेरी का ओनर हैं, हम इनसे जानेंगे कि लाइब्रेरी में क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और क्या क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ता है एज ए लाइब्रेरी ओनर। तो सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत कुमार हुआ। आप लाइब्रेरी कब से चला रहे हैं? लगभग 4 साल से। 4 साल से आप लाइब्रेरी चला रहे हैं। क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और ब्रीफली आप लाइब्रेरी का फ़ी बताइए। जैसे हम लड़का लोग को एसी प्रोवाइड करते हैं जी, फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़ वाईफाई, जो आज के ज़माना में बहुत ज़रूरी है जी। तीसरा चीज़ है कि वाटर कूलर ठंडा पानी के लिए जी।
और हर टेबल के नीचे चार्जिंग पॉइंट दे चुका हूँ कि वो लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो, अपना पर्सनल रहेगा तो उन लोगों को दिक्कत नहीं हो चार्जिंग करने में। और हम 5 से 11 जो मॉर्निंग का शिफ्ट है उसका 250 लेते हैं, 11 से 4 का हम 300 लेते हैं, और 4 से 10 का भी 300, और नाइट का शिफ्ट का 250। और 2 शिफ्ट जब लेते हैं, जैसे कोई बच्चा आया हमें 2 शिफ्ट उसको एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो ऑलरेडी हम डिस्काउंट कर देते हैं, 500 कर देते हैं, क्योंकि बच्चा हम जानते हैं कि स्टूडेंट लाइफ कैसा होता है, कहाँ कहाँ से पैसा बच्चा लोग एकत्रित करके और पढ़ाई करता है। सर ये बताइए कि आपका लाइब्रेरी का फी में वेरिएशन क्यों है? सर आप सुबह का शिफ्ट में आप 250 ले रहे हैं, उसके बाद फिर 300, ऐसा क्यों? मॉर्निंग के शिफ्ट में ऐसा है कि मॉर्निंग के शिफ्ट में उतना बच्चा लोग आता नहीं है, और 11 से 4 में है कि बच्चा लोग थोड़ा ज़्यादा रहता है, थोड़ा मतलब ज़्यादा अच्छी के लिए, ज़्यादा भीड़ ज़्यादा ना हो उसके लिए फी बढ़ा देते हैं कि भीड़ कम रहे, तो अपने बच्चा सुबह का मॉर्निंग में करेगा, बाकी तो सब शिफ्ट सेम ही है। और लाइब्रेरी आप कैसे खोले, मतलब कि कहाँ से आपको मोटिवेशन आया था कि हमें लाइब्रेरी खोलना चाहिए? देखिए हम बहुत जगह देखे लाइब्रेरी, जैसे पटना यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी है बच्चा लोग, तो मुझे भी कुछ ऐसा लगा कि यहाँ पर बाजार समिति में लाइब्रेरी होना चाहिए, तो मैंने खोल दिया लाइब्रेरी। फिर लाइब्रेरी मैंने खोला तो उससे अच्छा परफॉर्मेंस हमको देखने को मिला, बच्चा लोग आया लाइब्रेरी किया, उससे अटैचमेंट टाइप का हो गया, कोई कोई बच्चा तो जब से मैं खोला उस टाइम से मेरे पास है, 4 साल से रेगुलर मेरे पास है। क्या आप लाइब्रेरी के साथ साथ और कुछ करते हैं या फिर सिर्फ लाइब्रेरी चलाते हैं? लाइब्रेरी मैं चलाता हूँ, बॉयज़ हॉस्टल है मेरा, दुर्गा बॉयज़ हॉस्टल जी, तो बेनिफिट दे देता हूँ, जैसे कोई बच्चा लोग आया हॉस्टल में रहने तो मैं उसका लाइब्रेरी का चार्ज उससे नहीं लेता हूँ, सिर्फ ओनली हॉस्टल का चार्ज जो मार्केट का रेट है वही रेट में मैं लेता हूँ, बाकी लाइब्रेरी उसको फ्री कर देता हूँ पढ़ने के लिए। और वो लोग को क्या सजेशन देना चाहेंगे सर, क्या उन्हें ध्यान में रखना चाहिए जो लोग लाइब्रेरी खोलना चाहते हैं पटना में या फिर कोई और जगह पे? अच्छा है जी, लाइब्रेरी खोलना है तो अच्छा है, लेकिन बच्चा लोग को ध्यान में रखते हुए ऐसा फीस नहीं रखिए कि बच्चा लोग को भी दिक्कत हो। हाँ बच्चा बहुत मेहनत से पैसा लाता है, गार्जियन उसका देता है, पर मंथ पटना में रहने का खर्चा मतलब 7 से 10 हज़ार रुपया है नॉर्मली, अगर नॉर्मली बच्चा रहता है तो उसको उतना ही फीस लिए जितना उसमें कम्फर्टेबल हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती समय दिए इसके लिए, और आप हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? सर ऑडियंस को बोलेंगे कि देखिए स्टूडेंट लोगों में मैं कहना चाहता हूँ पर्सनली कि आप लोग लाइब्रेरी में पढ़िए, इससे क्या होता है मोटिवेशन होता है, आदमी एक दूसरे से बात करता है कि हाँ वो क्या पढ़ रहा है आप क्या पढ़ रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन होता है कि आप क्या आज याद किया, इससे नॉलेज बढ़ेगा, एक दूसरे को ट्रांसफ़र कीजिएगा तो आप उससे आप कुछ सीखिएगा, वो आपको कुछ सिखाएगा, तो इसके लिए आप लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए और शांति माहौल में पढ़िए। गाइज हमें आशा है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसी तरह के नए नए वीडियो हमारे चैनल पे आते रहेगा। धन्यवाद।